साइबर बुलिंग से खुद को या अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर साइबर बुलिंग होती क्या है। अगर इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई ऐसा मैसेज, वीडियो या ऑडियो सुनने में आए जिसे देखकर आपको तकलीफ हो, या फिर उन वीडियोज़ या मैसेजेस या कमेंट से आपको डराया या धमकाया जाए, तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंदर आती हैं। ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम का इस्तेमाल कर भी साइबर बुलिंग किया जाता है। साइबर बुली कोई जानकार व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले हों। सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। आपकी प्रोफाइल तक सिर्फ आपके दोस्तों की पहुँच होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी जैसे जन्मतिथि, पता और फ़ोन नंबर बिल्कुल ना दें। याद रखें, आप जो भी पोस्ट करते हैं वो वहीं रहता है, इसलिए सतर्क रहें। किसी अनजान व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर दुखी या उत्तेजित होकर उत्तर ना दें, इससे बुली पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होगा। कोई बार बार आपको मैसेज भेजकर तंग करता है तो तुरंत अपने माता पिता को इसकी जानकारी दें और उसे ब्लॉक कर दें। अगर आपके माता पिता को ज़रूरी लगे तो पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत cybercrime.org पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही 181 या 1930 पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।